जब से आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला वही बीमारू मध्य प्रदेश आज हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में आकर खड़ा हो गया है और इसके लिए मैं आपका भार प्रकट करता हूं, यहां की जनता का भार प्रकट करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका दिया। आपके कदमों में आपके चरणों में शीश झुकाकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिनंदन करता हूं। सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि आप जैसी जनता वोटर के रूप में मिली है। मेरे लिए तो आप देवी देवताओं के समान है लेकिन कांग्रेस के लोग आपको राक्षस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं आपको राक्षस? वो कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालता है वो राक्षस है। इसका मतलब 20 सालों से आप वोट डाल रहे हो। इस देश के वोटर का अपमान करने का काम कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने किया और राहुल गांधी सोनिया गांधी जी चुप बैठे थे। अब कांग्रेस के नेता उनके सहयोगी दल वो हिंदुओं को अपमानित करते हैं, वो सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम खत्म करके ही पूरा काम पूरा करेंगे और कहते हैं सनातन धर्म HIV एड्स डेंगू मलेरिया की तरह है। क्या आपको सनातन धर्म HIV एड्स डेंगू मलेरिया की तरह लगता है? अरे हाथ खड़ा करके बताओ कैसा लगता है? अरे अच्छे कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती? वो हिंदू धर्म या हिंदू ऐसे हमारी सोच के जो भाई बहन देश के करोड़ों लोग यहाँ के जो सनातन धर्म की पालना करते हैं उनको अपमानित भी करते हैं, साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान का अपमान भी करते हैं। भाई और बहनों, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान देश को दिया। एक गरीब मां का बेटा अनुसूचित जाति की परिवार से आने वाला जिसने भारत को इतना बड़ा संविधान दिया जिस पर देश चलता है, कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को अपनी पार्टी से निकाल दिया, उनको हराया, षड्यंत्र रचा, उनको अपमानित किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो बाबा साहब अंबेडकर की जहां जन्म हुआ, जहां शिक्षा, जहां शिक्षा, जहां उन्होंने वक्त को ग्रहण किया, उन सभी स्थानों पर पांचों के पांचों स्थानों को तो भारतीय
नरेंद्र मोदी जी की सरकार और शिवराज जी की सरकार से कहीं पर मिले तो मेरे मध्य प्रदेश की बहनों और भाइयों को मिले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों यही नहीं रुके, जब कोविड का समय आया तो उज्ज्वला गैस सिलेंडर वालों को 3 सिलेंडर मुफ्त में दिए, 20 करोड़ बहनों के खाते में 31,000 करोड़ रुपया मदद के रूप में 500-500 रुपए की 3 किस्तें पहुंचाई। जितने मेरे किसान भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, पिछले 5 सालों से मोदी सरकार ने हर साल 6,000 रुपया आपके खाते में डाला कि नहीं डाला है? मोदी जी ने 6,000 डाला, अब शिवराज जी की सरकार भी 6,000 रुपया साल की डाल रही है। मेरे भाई और बहनों 12,000 रुपया किसानों को हर साल मोदी सरकार। बीच में कांग्रेस की सरकार भी आई थी 2 साल, इन्होंने कहा था किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे और बेरोजगारी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। मिल गया क्या? और मिला क्या? अरे जब आएंगे कांग्रेसी तो पूछा उससे क्यों नहीं कर्जा माफ किया, क्यों नहीं बेरोजगारी भत्ता दिया, क्यों नहीं झूठे वायदे जो किए थे पूरे किए। अरे इनकी गारंटियां फेल हो गई तो वचन देने पर आगे इनके वायदे कभी पूरे नहीं हुए। ये पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अब राहुल गांधी जी, ये सब गरीबी देश के रहे। ये कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, देश से गरीब मिट गया। लेकिन कांग्रेस के जमाने में गरीबी नहीं हटी, मोदी सरकार आई, गरीब माँ का बेटा आया, 9 साल में 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए, ये दुनिया को करके दिखाया है। दिल्ली में पिछले 3 दिन से G20 की बैठक चल रही, दुनिया के सबसे बड़े 20 देश जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबसे बड़े हो उनको पूरी दुनिया में कहीं पर एक मंच पर लाकर अगर किसी ने अपनी बात मनवाकर दुनिया के हित में बात कही तो उस नेता का नाम क्या है? उस नेता का नाम क्या है? किस देश में हुआ है? हमारे भारत में हुआ, और भारत के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम के इस मार्गदर्शन पर लेकर चले और दुनिया के महान देशों के महान नेताओं को एक मंच पर लाकर भारत की बात को मनाने में सहमति की, जो पिछले कई सालों से कोई नेता नहीं कर पाया वो आपके और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। मेरे भाइयों ने पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल से ज्यादा राज किया। मेरी बहनों हम गुलाम थे 200 साल तक, उसके बाद इन कांग्रेसियों ने देश को लूटा, लूट कर खोखला कर दिया, सोने की चिड़िया था हमारा देश, अंग्रेजों ने लूटा, फिर कांग्रेसियों ने लूटा। लेकिन गरीब मां के बेटे को आपने प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी जी को, तो उन्होंने भारत को आज अंग्रेजों को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। अरे जो व्यक्ति 9 साल में ये कर सकता, करोड़ों बहनों को पक्के मकान, शौचालय से लेकर बिजली से लेकर अनाज से मुफ्त इलाज की सुविधा दे सकता है, जो नेता सुनो ध्यान से पूरे देश में 3 लाख किलोमीटर सड़कें थी 2014 तक, मोदी जी ने पिछले 9 साल में 4.5 लाख किलोमीटर नई सड़कें बना दी। पूरे देश में 74 एयरपोर्ट थे, मोदी जी ने 75 नए बना दिए 9 साल में। पूरे देश में 0.5 किलोमीटर मेट्रो बनती थी, अब 2 किलोमीटर दिन में बनती है। पूरे देश में केवल 7 एम्स थे, मोदी जी ने 15 नए एम्स दे दिए, जिसमें मेरे मध्य प्रदेश को भी है। भाई और बहनों यही नहीं, पूरे देश में केवल 600 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 9 सालों में 700 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। अब गरीब मां का बेटा भी और बेटी भी डॉक्टर बन सकता है, नर्स बन सकता है और सेवा कर सकता है। अरे युद्ध कहां चल रहा है?
कहां चल रहा है युद्ध? यूक्रेन में चल रहा है। वहां किस देश के नागरिक फंस गए थे? भारत के 23,000 विद्यार्थी फंस गए थे। मोदी जी की ताकत देखिए और भारत के तिरंगे की ताकत देखिए। दुनिया के एक नेता नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने यूक्रेन और रशिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को फोन किया और कहा कि मेरे युवा फंस गए हैं, युद्ध विराम कीजिए, इनको सुरक्षित निकलने दीजिए। गोली बम धमाकों के बीच में पूरी दुनिया में 23,000 विद्यार्थी किसी देश के सुरक्षित निकल कर आए तो ऑपरेशन गंगा में भारत के निकल कर आए। मोदी जी ने ठीक किया कि नहीं किया? बच्चों को बचाना चाहिए था कि नहीं? अरे आज मोरक्को में अगर संकट आया तो भारत की सेना वहां पर, टर्की सीरिया में भूकंप आया तो भारत सबसे पहले मदद करने गया, अफगानिस्तान में हमला हुआ तालिबान ने कब्जा किया तो वहां पर भारत ने सबसे पहले मदद पहुंचाई। आज भारत पिछलग्गू देश नहीं, भारत दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में बढ़ रहा है। ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है, ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है जो एक मजबूत नेता नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया भर में लेकर चले। लेकिन ये संभव तब हुआ जब आपने बहनों ने, भाइयों ने, देश के हर कोने में मोदी जी के नाम पर वोट किया और आपने राज्यों में भी जब सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनाई तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मेरा मध्य प्रदेश, भाई और बहनों, मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, हमने इन कुछ वर्षों में 30 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में कर दिए। 30 मेडिकल कॉलेज लाखों परिवारों को पक्के मकान बनाकर दे दिए। टूटी फूटी सड़कें थी, आज 5,11,000 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश के अंदर बना कर दी, कई एयरपोर्ट बना कर दिए। भाई और बहनों यही नहीं रुके, लाडली बहना योजना किस राज्य की है, कौन से राज्य की है, क्या मिलता बहनों को? मेरे भाई जिसने 1,000 कहा तुम्हारा खाता चेक करो, पिछले कल ही 1,250 रुपया खाते में आ गया है। और ये मध्य प्रदेश की लाखों बहनों को कोई और नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी देते हैं। लाडली बेटी योजना 1,18,000 उस बेटी के खाते में डाला जाता है। मेरे नौजवान साथी, मेरा युवा मोर्चा का देश दरार अध्यक्ष, सीखो कमाओ योजना SKY Sky, ये देश में किसी राज्य ने शुरू किया तो मध्य प्रदेश ने। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को बधाई देना चाहता हूं। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश में 50,000 रुपए की एकड़ जमीन मिल जाती थी, कई जगह 25,000 रुपए एकड़ मिलती थी। और ये बात में बड़ी पुरानी नहीं, मैं 2009-2010 की बात कर रहा हूं। आज जहां मध्य प्रदेश में पहले केवल 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य थी, आज वो बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर बन गई है और गेहूं निर्यात में देश में नंबर 1 राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। मेरे भाइयों बहनों यही नहीं, कोई क्षेत्र चुन लीजिए, आज मध्य प्रदेश का नाम सबसे जोर से लिया जाता है, आगे लिया जाता है। आप मध्य प्रदेश का विकास रुकवाना चाहते हो कि दुगुना करवाना चाहते हो? अगर 2 गुना करवाना चाहते हो तो फिर एक बार डबल इंजन की सरकार केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमल का पतन दबाकर होगी, यहां से कमल जी को जिताकर होगी और डबल इंजन की सरकार भी बनेगी। भाई और बहनों, मैं अपने युवा साथियों से, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से कहना चाहता हूं, पूरे रास्ते में युवा एक तरफा दिखा भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर
बात सुनता है। युवा को लगता है अगर दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा देश स्टार्टअप का किसी ने बनाया है तो भारत के युवाओं ने मोदी की स्टार्टअप योजना के कारण बनाया है। आज से 5 साल पहले ये मोबाइल फोन ये चीन वियतनाम ताइवान से बनकर आते थे, आज पूरी दुनिया को भारत से बनकर जाते हैं, मेरे भारत से बनकर जाते हैं। भाइयों बहनों, दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना बढ़ गए, लेकिन मेरे किसानों के ऊपर 5 साल में 1 रुपए का दाम भी मोदी जी ने खाद का नहीं बढ़ने दिया। 2 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी केवल पिछले साल मोदी जी ने खाद की दी है। एक और खाद की सब्सिडी भी दी, MSP के दाम भी बढ़ाए, 6,000 रुपया शिवराज जी ने 6,000 रुपया मोदी जी ने साल का दिया, 12,000 रुपया किसानों को अलग से दिया। कोई कमी किसी क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं छोड़ी। अब आपका समय आया है मोदी जी का धन्यवाद करने का, आशीर्वाद देने का। क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे? वे जिन भाइयों को कुर्सी नहीं मिली वो भी बता दें, क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे? जिसने मन पक्का किया है मंच वालों ने और नीचे वालों ने, जिसको भगवान ने एक हाथ दिया है वो एक ही हाथ उठाए, जिसको 2 हाथ दिए वो 2 हाथ उठा के बोले। अब की बार हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान नहीं सहेगा सनातन का अपमान, हिंदुस्तान नहीं सहेगा।